स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन वन ग्रो पर। आज मैं आपके लिए फल्ली दाना की एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी की इसे कैसे बनाया जाता है। फल्ली दाना लिया है, इस कप से नापकर पूरा एक कप फल्ली दाना है। फल्ली दाना को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, अब हम इसे भूनेंगे। फल्ली दाना भूनने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, गैस पहले ही ऑन कर दिया था। फल्ली दाना डालेंगे और हमें इसे धीमी आंच पर चलाते हुए भूनना है जिससे फली दाना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए फली दाना को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा कच्चापन चला जाए हमें इसे उतना ही भूनना है। देखिए फली दाना अच्छे से भून गए हैं। अब हम 10-12 बादाम लेंगे, 10-12 काजू लेंगे, इन्हें भी साथ में 2 मिनट चला लेंगे। फली दाना अच्छे से भुन गए हैं, गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस थाली में फली दाना को हम निकाल लेंगे। इसे फैला देंगे जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। काजू और बादाम को हटा लेंगे। देखिए फली दाना अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसके छिलके निकाल देते हैं। इस तरह का हाथ में लेके रगड़ते हुए हम इसके छिलके निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए फली के छिलके हमने निकाल लिए, बहुत बढ़िया अच्छे से निकल गए हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। जार लिया है, फली दाना को डालेंगे। साथ में गुड़ लेंगे, 1 कप गुड़ है नाप के हमने लिया है, आधा डाल देंगे। आपके पास अगर बड़ा जार है तो आप उसमें एक ही बार में सभी को पीस सकते हैं। अब ढक्कन लगा देंगे और इसे पीस लेंगे। देखिए फली दाना को हमने पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा रखा है। देखिए इस प्रकार, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बचे हुए फली दाना को भी डालेंगे, साथ में गुड़ लेंगे। साथ में बादाम और काजू भी लेंगे और साथ में किशमिश भी है। अब ढक्कन बंद करके पीस लेंगे इसे। देखिए इसे भी पीस लिया है, बढ़िया अच्छे से पीस गया है, निकाल लेंगे इसे भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ट्रे में हमने बटर पेपर को लगा लिया है, इसके ऊपर घी लगाया है। अब हम इस मिश्रण को इसमें अच्छे से फैला देंगे। देखिए इस चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसे दबाते हुए हमें इसे सेट करना है। बर्फ़ी एक जैसी जमनी चाहिए, तो कहीं से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एक जैसा हमें इसे अच्छे से फैलाना है। देखिए अच्छे से इसे सेट कर दिया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। हमने ये चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट, अब हम इसे निकालेंगे। अब इसे तोड़कर एक बर्तन में मेल्ट करेंगे। देखिए चॉकलेट को इस प्रकार हमने बारीक काट लिया है, एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे। अब चॉकलेट को मिठाई के ऊपर फैलाएंगे।
देखिए इस प्रकार इसे फैला देंगे। देखिए चॉकलेट को अच्छे से फैला दिया है, अब इसे सेट होने के लिए रखेंगे। देखिए अच्छे से सेट हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। निकाल के इसे पलट देंगे। इस साइड भी हम चॉकलेट लगा देंगे। चॉकलेट को अच्छे से फैला दिया है। काजू लेंगे, काजू को छोटे छोटे टुकड़े काट के लिए हैं, इसे डेकोरेट करेंगे। अब इसे सेट होने के लिए रखेंगे। देखिए अच्छे से सेट हो गई है, अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये कट जाएगी। देखिए इसके पीस बना लिए हमने, अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फल्लीदाना की बर्फी बनके तैयार है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। इस दिवाली आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, बहुत कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है और सभी को बहुत पसंद भी आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।